हाय फ्रेंड्स दिस इज एंड यू आर वाचिंग टिव आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मैंने दो महीने पहले इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल नए सिरे से देख रहे हो तो आपको शायद उतने अच्छे से समझ में ना आए इसीलिए वो वीडियो पहले देख लीजिए तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं लेट्स को अगर आप न्यूज़ में अभी देखोगे तो रशिया यूक्रेन का जो मामला है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है दो महीने पहले मैंने उस वीडियो में बताया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और एक वॉर का रूप आ सकता है दुनिया के सामने और इवेंट्स जैसे जैसे प्लेस हो रहे हैं अभी का जो सिचुएशन है हर न्यूज़ में रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर्स पे सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं तो ये पूरा मामला क्या है ये पूरा ड्रामा क्या है इसी वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी ये स्टार्ट हुआ था रशिया यूक्रेन के बॉर्डर्स में जब रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर्स के पास अपने ट्रूप्स तैनात कर दिए थे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो बेलारूस है अगर आप मैप में यहाँ पे देखोगे तो बेलारूस एक्चुअली रशिया का सपोर्टर है वहाँ भी रशिया ने अपने ट्रूप्स तैनात किए हैं यहाँ पे पूरा दोष रशिया का भी नहीं है क्योंकि रशिया नहीं चाहता है सिंपल बातों में रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर होता है तो यूक्रेन के बॉर्डर्स में बहुत सारे नाटो के ट्रूप्स आ जाएंगे इससे रशिया के लिए प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं यहाँ पे नाटो भी कुछ कम चालू नहीं है नाटो एक्चुअली एक ग्रुप है जिसमें थर्टी देशों का एक पूरा गुट बना हुआ है जिसमें अगर आप एक भी कंट्री के अगेंस्ट कुछ करते हो तो सारी बाकी कंट्रीज उसके सपोर्ट पे आ जाती है इससे फायदा ये होता है एक तो हारमोनी एंड पीस मेंटेन हो जाता है सेकेंड चीज ये है कि डिफेंस में काफी ज्यादा खर्चा बच जाता है और किसी भी वॉर में आप अकेले नहीं हो आपके साथ तीस देशों का एक टोली रहता है इस नेटो में मेन किरदार है यूएसए सोचिए नेटो जैसा कोई ग्रुप साउथ एशिया में होता तो इतना अच्छा होता पर पाकिस्तान और चाइना जैसे अर्यल देश है वहां ऐसा सिचुएशन होना बहुत ही ज्यादा कठिन है चलिए बैक टू तो द टॉपिक हमारा टॉपिक यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के ऊपर है अभी यूक्रेन रशिया का न्यूज होल वर्ल्ड में फैला हुआ है क्योंकि यूएसए ने थ्री थाउजेंड ट्रूप अभी इन तीन कंट्रीज में भेजा है और ये कौन से तीन कंट्रीज है ये है पोलैंड जर्मनी और रोमेनिया he's sending 3,000 troops to strengthen the American presence in Eastern Europe and to reassure NATO allies of America's commitment to collective defense. The Pentagon emphasizing it is not sending troops to Ukraine, but adding today's announcement is meant to deter Russian President Vladimir Putin from invading Ukraine. But USA said that these troops will not fight Ukraine इट इज फॉर नेटो कंट्रीज ओनली रशिया को भी अच्छा बहाना मिल गया है अपने सैन्य बल को दिखाने के लिए और उसने बेलारूस में अपने ट्रूप तैनात कर दिए हैं। याद रखिए है, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है पर बहुत कोशिश कर रहा है बहुत हाथ पैमा रहा है नेटो मेंबर बनने के लिए रशिया का डिमांड है कि यूक्रेन किसी भी तरीके से नैटो का मेंबर ना बने ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी यूएसएसआर के टूटने के बाद से बहुत सारे देश उसके हाथ से छूट गए हैं और धीरे धीरे वो सारे देश नेटो के मेंबर्स बन गए हैं नैटो का जो मेन बॉडी है जो मेन पावर सिस्टम है वो यूएसए से आता है और यूएसए और रशिया ऑलरेडी आर्च एनिमी से बहुत टाइम से दोनों में दुश्मनी चल रही है और अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो यूएसए के थ्रू उसके दरवाजे पे आ जाएंगे यहां भी थोड़ा बहुत गलत है। जो दबदबा पहले सारे देशों पे तो चल नहीं सकती यूक्रेन एक स्वाधीन देश है इंडिपेंडेंट देश है तो उसकी आजादी कहीं ना कहीं सामने आ जाती है ना तो वो भी यहां पर नाटो का मेंबर बनना चाहता है साथ ही साथ रशिया को ये भी सोचना चाहिए कि उसकी दादागिरी नाटो पर भी नहीं चलती वैसे भी लातविया इस्तोनिया और लुथीनिया जैसे देश भी नेटो के मेंबर्स हैं अब बचा सबसे प्यारा यूक्रेन और यूक्रेन और रशिया का जो रिलेशन है जो कल्चरल बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग है रशिया यूक्रेन को अपना ही मानता है क्योंकि दोनों के ऑरिजिन सेम ही है दोनों के कल्चर सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है वहां लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है यूक्रेनियन लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है और रशिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यूक्रेन उसके हाथ से निकलता जा रहा है और उसका जो जानी दुश्मन है यूएसए उसके साथ नाटो मेंबर बन जा रहा है सिंपल सी बात है कि रशिया यहां पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो मेंबर बने और इसीलिए इतना सारा तामझाम पे तैनात किया गया है रिसेंटली यही मुद्दा उठा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मैं आपको बता देती हूँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया भी एक मेंबर है इंडिया भी एक मेंबर है चाइना भी एक मेंबर है और 15 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स ने यहाँ पे यूएस नैटो का साथ दिया है सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे जिसने सपोर्ट रशिया को किया है वो चाइना था वो मैं आगे बताऊंगी क्यों यहाँ पे इस मीटिंग में चाइना ने तो डायरेक्ट सपोर्ट किया है रशिया को पर इंडिया ने मीटिंग अटेंड नहीं किया है कहीं ना कहीं इंडिया ने यहाँ पे एक बहुत ही डिप्लोमेटिक अप्रोच लिया है ऐसा इसीलिए इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है बहुत सालों से मतलब पुराने टाइम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है रशिया से हमारे इंडिया को सिक्सटी मिलिट्री सप्लाइज मिलते हैं और रशिया ने हमेशा जब भी कोई भी मेजर वॉर इंडिया में है रशिया ने डायरेक्ट एंड ओपन सपोर्ट दिया है इंडिया को दूसरी तरफ यूक्रेन में 20,000 मतलब 20,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पे पढ़ने जा चुके हैं यूरोप और यूएसए के साथ भी इंडिया का जो ट्रेड है काफी अच्छा चल रहा है तो हम कहीं ना कहीं यहां पे एक क्लियर स्टैंड पॉइंट नहीं ले सकते एक्चुअली हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज को चाइना ने ओपनली सपोर्ट क्यों किया देखिए चाइना ने ओपनली सपोर्ट अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए किया क्योंकि वह हमेशा से यूएसए के अगेंस्ट रहा है और ये मुद्दा उसने यूज किया है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जिस देश ने डायरेक्टली सपोर्ट किया है रशिया को वो सिर्फ चाइना ही था यहां पे यह बात सोचने वाली है कि रशिया जो कर रहा है वो गलत है क्योंकि रशिया किसी भी स्वाधीन देश के ऊपर अपनी दादागिरी नहीं कर सकता किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता तो यूक्रेन जो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है वो सही है यूएस की भी दादागिरी यहाँ पे कम नहीं है देखिए यूएसए के ऊपर जो हम विश्वास कर रहे हैं यूएसए विश्वास पात्र नहीं है अगर आपको याद होगा 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था तो यूएसए और यूके ने मिलिट्री सप्लाईज दिए थे पाकिस्तान को और वहां पर सिर्फ रशिया ही था जिसने इंडिया की इतनी ज़्यादा मदद की और वो वॉर हम रशिया की वजह से ही जीत पाए ओपनली यूनाइटेड नेशंस में भी रशिया ने बहुत सारे इश्यूज के ऊपर इंडिया का ओपनली और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया अभी तक तो कहीं ना कहीं हम रशिया के अगेंस्ट जा नहीं सकते ये जो सिचुएशन है इंडिया के लिए ट्रिकी है ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है ये भी हो सकता है एक और सिनेरियो अगर मैं उठाती हूँ तो ये भी हो सकता है कि रशिया और यूएसए में इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हों देखिए ये ये सब ये पूरा एक एक भी हो सकता है एक कि दोनों देश अपने अपने पावर्स को दिखाएं और अपनी जो उनकी अपनी जनता है उनकी लॉयल्टी ले लें सेकेंड चीज है यूक्रेन नाटो मेंबर अभी आने वाले टाइम्स में नहीं बनने वाला क्योंकि रशिया वो होने ही नहीं देगा इतना तो बात सही है कि 2022 में अगर कोई मसाले वाला न्यूज़ रहा है तो यही वाला न्यूज़ रहा है हर एक ग्लोबल टॉप मीडिया न्यूज़ चैनल्स में इसी के बारे में बात की जा रही है और हमें भी यहाँ पर नज़र गाये रखनी चाहिए कि आने वाले इवेंट्स कैसे तब्दील होंगे कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर ट्यून इन रहिए क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आने वाले टाइम्स में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा तो लगा ही होगा ये वर्ल्ड में हर जगह यही न्यूज पे है तो मैंने सोचा मैं इसके में वीडियो बना देती हूँ अगर चैनल अच्छा लग रहा है वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो पे अगर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल का आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए